इसको रीड कीजिए, यहाँ पे एक हम लोग को रेसिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे गिरा, रेसिस्टेंस से नीचे गिरा, अगेन सेम उसी रेसिस्टेंस के पास में। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या ब्रेकआउट आ जाएगा, है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। कंटिन्यू देखिए मार्केट हायर हाई बना रहा है, यानी कि जो लोग भी डाउन साइड में ट्रेड लिया है वो पोजिशन को क्या कर रहा है, ट्रायल कर रहा है कि नहीं। जो लोग भी डाउन साइड में ट्रेड लिया है उनका हाई बना, लो बना, फिर प्रीवियस हाई को तोड़ा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गए, फिर हाई से लो बना, फिर प्रीवियस हाई को तोड़ा, स्टॉप लॉस यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लोगों का स्टॉप लॉस ट्रायल हो रहा है, यानी कि ये ट्रेड लोग क्या कंटिन्यू इसको ट्रायल करते जा रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं आया, अब ये जिस जगह पे पहुंचा है अभी फिलहाल, अब यहाँ पे काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा, यही प्लानिंग है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि सर यहाँ पे अब ये ट्रेड लाइन जो है, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, लेकिन रिवर्सल के बारे में कोई नहीं सोचता। यही जगह पे अब क्या होगा, मार्केट इस जगह से रिजेक्ट होना स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट, गुड इवनिंग विनय जी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ेगा ना, वापस जहाँ से बाइंग आया ठीक वहाँ तक देखिएगा मार्केट गिर जाएगा। इस जगह पे हम लोग इसके नीचे जाने का वेट कर लेंगे, ऊपर में स्टॉप लॉस यहाँ तक का टारगेट, जितना तेज़ी से ऊपर गया उतना ही तेज़ी से गिर जाएगा। हाँ, बहुत फास्ट मोमेंटम मिलता है, ऊपर धीरे धीरे ही गया ना, लेकिन गिरते टाइम बहुत तेज़ी से गिरेगा ये, ठीक है। MFSL इसको ट्रैक कर सकते हैं, कल के दिन ये रेसिस्टेंस को फेस करेगा और गिरना स्टार्ट करेगा।